सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों को पता है कि गूगल क्लासरूम में हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो उसमें अटेंडेंस किस तरह से लगानी है ये एक बार इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देखें। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तरह से अटेंडेंस ले रहे हैं। मेरे सब्जेक्ट में वर्क एजुकेशन में जो मेथड फॉलो किया गया है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गूगल क्लासरूम को सबसे पहले हमने ओपन किया। गूगल क्लासरूम में हमारी क्लास सर्च करते हैं, क्लास 7th बी एक्टिविटीज़, क्लास 7th बी प्लस डी वर्क एक्सपीरियंस, तो इस पर क्लिक किया। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्लास वर्क में क्लिक करेंगे। क्लास वर्क में हमारे पास अटेंडेंस ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक लिखा हुआ है लिंक टू व्यू अटेंडेंस शीट, दूसरा लिखा हुआ है लिंक टू फिल अटेंडेंस। तो इसमें हमें अपनी अटेंडेंस लगानी है जब भी हमारी क्लास होगी तब। 7th बी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉर्निंग में 7:50 पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे डेली। उसके लिए अलग लिंक सेपरेटली उनको प्रोवाइड किया गया है 7th बी एक्टिविटी वाले क्लासरूम में। और अदर क्लासेस जब भी आपकी वर्क एजुकेशन की क्लासेस होंगी उस ड्यूरेशन में आपको इस लिंक पे जाके अटेंडेंस फिल करनी है। लेकिन इस लिंक पे अटेंडेंस फिल करने में एक प्रॉब्लम आ रही है कई बच्चों के साथ में, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस सेटिंग में हमें चेंज करना है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये लिंक फिल करेंगे, इसमें लिंक टू फिल अटेंडेंस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे पास एक अटैचमेंट आ जाता है गूगल फॉर्म का, गूगल फॉर्म साइन इन। यहाँ पर इस अटैचमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म पे डाइवर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट के पास तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें लिखा है अटेंडेंस वर्क एजुकेशन क्लास 6 to 8, और स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट में ऐसा नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट के केस में यहाँ पर क्या ऑप्शन शो होता है और उसको कैसे रेक्टिफाई करें। जैसे सपोज़ मैं अपनी KV की जो प्रोवाइडेड आईडी है उसके अलावा दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ, अब ये आ रहा है यू नीड परमिशन, दिस फॉर्म कैन ओनली बी व्यूड बाय यूजर्स इन द ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास में इस तरह का मैसेज आता है जब वो क्लिक करते हैं। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो ब्राउज़र यूज़ किया है उस ब्राउज़र में आपकी स्कूल की प्रोवाइडेड आईडी ना लगा के दूसरी आईडी जो जीमेल अकाउंट होगा उससे लॉगिन किया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लर्न मोर में जाना है, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है लर्न मोर, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जाने के बाद ये जो पिक दिख रही है, ये जो आईडी दिख रही है टॉप राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जितनी भी मेल आईडीज़ हमारी इसमें कनेक्टेड हैं वो सारी दिखाई देंगी। अब ये दिखाई दे रही है हमारी जितनी भी आईडीज़ हमारी कनेक्टेड हैं, इसमें से स्टूडेंट आईडी पे जाना है। सपोज़ ये एक स्टूडेंट की आईडी मेरे फ़ोन में ऑलरेडी सेव है, Mega7th भी, इस आईडी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस आईडी पे क्लिक करूँगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने ये आईडी पे क्लिक किया, अब ये जो गूगल, ये जो ब्राउज़र था, ये मेरा क्रोम का ब्राउज़र जो है वो ये स्टूडेंट के प्रोफाइल से लॉगिन हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे, वापस से जाते हैं, फिर से क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। अभी डिफ़ॉल्ट आईडी इसने मेरी पुरानी आईडी ले रखी है, लेकिन अगर स्विच अकाउंट करेंगे तो उस आईडी से भी लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से फिर स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे। नेम में ध्यान रखना है फुल नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर रिकॉर्ड, जो आपका पूरा नाम है कंप्लीट वही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। चूज़ योर क्लास, इसमें क्लास सेक्शन आपके दिए गए हैं, जो आपकी क्लास और सेक्शन है उसको चूज़ करना है। फिर आपका रोल नंबर है, अगर रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर नहीं पता तो आई डोंट नो माई रोल नंबर, इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर अटेंडेंस, अटेंडेंस में प्रेजेंट, ऑन लीव ड्यू टू सिकनेस, अगर आपकी तबीयत ख़राब है बीमारी की वजह से अटेंडेंस, तो यहाँ पर क्लिक करना है। ऑन लीव ड्यू टू अदर रीज़न, बीमारी के अलावा किसी कारण से आप लीव पर हैं तो ये क्लिक करना है। प्रेजेंट बट क्लास कुड नॉट बी कंडक्टेड, आप प्रेजेंट हैं लेकिन हो सकता है किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई हो, तो उस पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करके और फाइनली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे आपकी अटेंडेंस के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर अटेंडेंस। इस तरह से आपको अटेंडेंस लगानी है। अब वापस जाते हैं, आपने अपनी अटेंडेंस लगाई, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर इस लिंक पे तो आपने अटेंडेंस फिल कर दी, एक और लिंक दिया हुआ है लिंक टू व्यू अटेंडेंस शीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, एक एक्सेल शीट हमारे पास ओपन हो जाएगी जिसमें हम अपनी अटेंडेंस को देख सकते हैं। ये देखिए सारी अटेंडेंस हमारे पास लगी हुई हैं, कब कब कौन कौन से बच्चों ने अटेंडेंस लगाई, आपकी डेट की हमारे पास अटेंडेंस अगर है तो 6A, 6D, 6D, और किस टाइम पर अटेंडेंस लगी हुई वो भी आएगा। साथ में एक स्कोर भी दिखा रहा है, आपकी हर अटेंडेंस पे एक नंबर आपको मिलेगा अगर आपने क्लास आवर्स में ही अटेंडेंस लगाई हुई है। पहली चीज़ तो कि क्लास में आपको एक बार ही अटेंडेंस लगानी है, मल्टीपल टाइम अगर आपने क्लास ड्यूरेशन में अटेंडेंस लगाई तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे।
तो क्लास आवर्स में एक बार ही आपको अटेंडेंस लगानी है, और जब आपका टर्न आएगा तभी अटेंडेंस लगानी है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू की क्लास नहीं हुई है फिर भी आपने अटेंडेंस लगा दी, तो ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग फिल्टर आउट करके सिलेक्ट करेंगे तो जितने डिफॉल्टर्स होंगे उनके मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो ये इतने बच्चे प्रेजेंट हैं जिनको रोल नंबर नहीं पता था, उनकी जानकारी भी लिखी है। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कितनी कितनी किसकी अटेंडेंस हुई है। ये दो चीज़ें हैं जो बच्चों को थोड़ा सा सीखनी है, और ये आगे भी आपके लिए फ़ायदे में रहेंगी, क्योंकि अभी जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्ज़ाम्स जी सूट पे जो प्रोवाइडेड आईडी हैं उन्हीं के थ्रू होंगे, तो गूगल फॉर्म उसी आईडी से लॉगिन होगा, उसके लिए आपके ब्राउज़र में वो आईडी होना ज़रूरी है। इसलिए जिन बच्चों ने अटेंडेंस क्लिक करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आईडी चेंज कर लें, लर्न मोर पर जाके ब्राउज़र में अपनी आईडी चेंज कर लें, जो आईडी स्कूल से प्रोवाइडेड है उस आईडी को क्लिक करेंगे, आपकी अटेंडेंस अपने आप फिल हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।